press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimmaru. अरे सुल्तान निकाल दी ना जान, लेकिन तू जानता नहीं मेरा नाम है सलमान। आदाब। कैसे गिरा दिया सुल्तान? मैं आऊं, मैं आऊं सुल्तान? अरे 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 कौन? अरे अरे पेट पे, अरे सुल्तान पेट पे नहीं, पीठ पे सुल्तान, पीठ पे। सुल्तान अगर तू पठान का घोड़ा है तो मैं भी पठान का बेटा हूँ। मैं आया, मैं फिर से आया। मैं बोला था ना मैं आऊंगा, मैं आ गया। अब चले देना। बदतमीज, ये खूबसूरत खिताब किसने दिया हमें? ए मिस्टर, ये आशिकी के चोंचले कहीं और जाके आजमाना, चांद से चेहरे पर दाग लगा दिया। चांद? कौन सा चांद है ये? पूनम का चांद है, चौधरी का चांद है, या फिर ईद का चांद है? एक और भी चांद होता है। वो कौन सा? जब सर पर जूतियां पड़ती हैं तो एक और चांद निकल आता है। गधे पर बैठना नहीं आता, घोड़े पर बैठ गया। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो। और इतनी जल्दी? अभी तो अच्छी तरह से हाय हेलो भी नहीं हुआ, बाय बाय कह रही है। अरे सुनिए, जरा अपना चांद सा चेहरा तो साफ करती जाइए। चेहरा साफ करने से पहले जी चाहता है तेरी तबीयत साफ कर दूं। अपनी तबीयत का तो ड्राई क्लीन हो चुका है, अब आप जरा अपने गालों को क्लीन कर लें। बदतमीज, जब आपने बदतमीज का खिताब दे ही दिया तो हम बदतमीजी कर ही डालते हैं। ये तुम्हारी ये मजाल? मजाल नहीं हुजूर, रुमाल। चेहरा साफ, हिसाब साफ। बेशरम, चलो यहाँ से। बाय बाय, खुदा हाफिज। अबूजान अबूजान, भैया ने सुल्तान पर काबू पा लिया। अब्दुल। जी हुजूर। हमारे शेर बेटे ने सुल्तान पर काबू पा लिया है, इस खुशी में गांव के तमाम गरीबों में खैर खैरात बांट दो। जी हुजूर। लेकिन अब्बू, ये इतनी खुशी की बात तो है नहीं। तुम नहीं जानते हो सलमान, सुल्तान की सवारी करना एक आदमखोर शेर की सवारी करने के बराबर है। सुल्तान ऐसा घोड़ा है, जब किसी से प्यार करता है तो माँ की ममता से बढ़कर करता है, और जब किसी से नफरत करता है तो एक आदमखोर शेर से भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। अबू जान। हाँ बेटे। लगता है सुल्तान ने हमारे भाईजान को बहुत सताया है, देखिए कैसा पसीना निकल रहा है। ये क्या है? चचा जान, ये मोती है। मोती? किसी के नाक का मोती। नाक का मोती? सलमान, तुम सुल्तान की सवारी करने गए थे या कीचड़ से कमल निकालने गए थे? चाचू वो जवाब दो बेटे। अबू, वो सुल्तान का पांव कीचड़ में जा पड़ा तो उसके छींटे एक लड़की के मुंह पे जा गिरे, तो हमने उनको हमारा रुमाल दिया अपना चेहरा पोंछने के लिए, तो शायद ये उन्हीं का मोती हो। हा? देखो बेटे, तलवारों से खेलने वाले मोतियों से खेलने लगे तो उनकी ताकतों को जंग लग जाता है। इसे अदब से ले जाओ और जिसकी अमानत है उसे इज्जत से वापस लौटाओ। भाईजान, मैंने कहा सिर्फ मोती देके आना, दिल नहीं। चाचू बात क्या है, आशु आज कुछ ज्यादा ही चहक रहा है, पटक दूं? पटक दो। भाईजान, मैंने कहा सिर्फ मोती देके आना, दिल नहीं।
जानम। हाँ सनम। आ गई जानम। हाँ सनम, आपने पुकारा, हम चले आए। जानम, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, जी चाहता है तुम्हें चूम ले। अच्छा सनम। हाँ। आदाब जानम। आदाब सनम। आदाब। कहाँ थे अब तक आप? तुम जी, तुम फिर आ गए। जी आखिर तुम हो कौन? इश्क मोहब्बत और लव के मिक्सचर से बना आपका दीवाना। बदतमीज, यहाँ जाने किस मिट्टी का बना है? मोहब्बत की मिट्टी का जानम। अच्छा जी, जिस मिट्टी से रोमियो बना, मजनू बना, और तुम्हारे लिए मैं। मुझे तो ये पागल लगता है। हर आशिक प्यार में पागल हो जाता है, जैसे मैं पागल इनके प्यार में। जानता है किससे उलझ रहा है? इश्क हुस्न से उलझ रहा है, और हम तो इनके प्यार में जलेबी की तरह उलझ रहे हैं। दुनिया हमें कहती है सलमान खान, हम आपको किस नाम से पुकारे मेरी जान? आइए हम अपना नाम बताते हैं। आइए ना। जी जी, लीजिए आ गए। ये लो जी, आ गया। नाम बताऊं? आइए। अरे अरे, क्या, अरे धक्का मार दिया। अरे अल्लाह मियां, इस हरे दुपट्टे वाले ने धक्का मार दिया। अरे अल्लाह मियां, और अल्लाह मियां बचाओ। अल्लाह मियां, इन औरतों को कभी इतनी ताकत मत देना। अल्लाह मियां, नाम तो पता ही नहीं, ताकत दिखा दिया। अल्लाह मियां, और अल्लाह मियां मैं आ रहा हूँ, बहुत कम नोटिस में आ रहा हूँ। अल्लाह मियां, बहुत कम नोटिस में आ रहा हूँ, लेकिन मैं आ रहा हूँ। अल्लाह मियां, अल्लाह मियां, इनको फांसी दे देना। अल्लाह मियां, तरवीजी कंडीशन में आ रहा हूँ। अल्लाह मियां, ये देखो मैं आया आया। अरे कहीं वो सचमुच ही तो नहीं मर गया? अगर सचमुच मर गया तो तुझे फांसी हो जाएगी। हाय अल्लाह, कंचन जरा तुम जाके देखो तो। हाँ कम ऑन गर्ल। हाँ चलो। बहू, हेलो। अरे ये तो भी जिंदा है। जी हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी और मौत में सिर्फ एक मिनट का फर्क है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं ये गोली फेंक दूंगा, वरना मैं ये जहर खा लूंगा। तुम चाहते क्या हो? आपकी सहेली का दिल। दिल? जी हाँ, दिल। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं ये जहर खा लूंगा और आपकी सहेली को फांसी हो जाएगी। अगर इसने जहर खा लिया और उसे फांसी हो गई, इससे तो अच्छा है इसको चांस दे देते हैं उसको पटाने के लिए। हाँ प्लीज। ठीक है, थैंक यू। कंचन, क्या हुआ? इसकी सांस नहीं चल रही, इसकी नाड़ी भी नहीं चल रही। हाय अल्लाह, दिल की धड़कन भी बंद हो गई। हाँ? इसका सब कुछ डैमेज हो गया, लगता है मर गया। या खुदा, वो आ रही है क्या? हाँ। क्या ये सचमुच मर गया कंचन? हाँ। वो तो आपको देखते ही मर गया था। छोड़ो मेरा बच्चा। अरे ओ हरे दुपट्टे वाली जानम, रुक जा। आधा बरस है शेर खान साहब, आधा बरस है। आइए आइए दरोगा साहब, हमारे बेटे सलमान से मिलिए। आदाब। जीते रहो बेटा, मुझसे भी बड़े आदमी बनो। भाई दरोगा, हमने सुना है कि आजकल नदी के उस पार वालों पर तुम्हारी मेहरबानियां कुछ ज्यादा ही है। हुजूर मैं क्या, ते मेरी मेहरबानियां क्या, मैं तो थाली का बैंगन हूँ, कभी लुढ़क कर इस तरफ तो कभी लुढ़क कर उस तरफ। सलाम दरोगा चाचा। वालेकुम असलाम आशुमिया। दरोगा चाचा, आपके मुझे नीचे क्यों है? आपके मुझे तो ऊपर होनी चाहिए, माउंट एवरेस्ट की तरह। माउंट एवरेस्ट? ए ऐसे। कोई मुझ नीचे कर देता है ते कोई मुझ ऊपर कर देता है, उनका भी शुक्रिया ते आपका भी शुक्रिया। माउंट एवरेस्ट है। दरोगा, हम चाहते हैं
कि सुरमई पहाड़ी वाली नहर से सारा का सारा पानी काट कर हमारे खेतों में आ जाए। हुजूर, जिस तरह मेरी मूछों की कोई मर्जी नहीं है, उसी तरह पानी की भी कोई मर्जी नहीं है। आप जिस तरफ चाहेंगे पानी का रुख उसी तरफ मोड़ दूंगा हुजूर। हुजूर, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको सलाम अर्ज करता चलूं, लाजिम है ना। अते अब खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा याद, खुदा हाफिज। हुजूर। आदाब भाईजान। आदाब, कौन है आप? मैं हूँ रुखसार की सहेली, मेरा नाम है अनारकली। अच्छा अच्छा, रुखसार जी भाईजान, तुम्हारी सहेली आई है तुमसे मिलने। हाँ रुखसार, बड़े नेक घर की लगती है जी। कौन है तुम? मैं हूँ अनारकली। तुम? हाँ हम। मगर तुम यहाँ? यहाँ नहीं, तुम्हारे कमरे में चलते हैं। मेरे कमरे में चलते हैं? हाँ हाँ, ले जाओ अपने कमरे में, कुछ नाश्ता वास्ता करवाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतने अच्छे हैं तुम्हारे भाईजान। हाँ चलो। हाँ चलो चलो। ये लो। ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, ये हिम्मत कि तुम यहाँ पे पहुँच गए? मुझे यहीं पहुँचना चाहिए था, सो मैं पहुँच गया। हम कहते हैं चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, कहीं किसी की नजर तुम पे पड़ गई तो कयामत आ जाएगी। हाय, कयामत तो आ चुकी है, मेरे सामने सर उठाए खड़ी है, और हम इस कयामत पर दिलो जान से मरने को तैयार हैं। इन दीवारों के कान बहुत तेज है। अच्छा, इनके पीछे रहने वाला हर इंसान कातिल है। ओ रियली? अजी, लेकिन यहाँ आपसे बड़ा कातिल और कौन हो सकता है, और वैसे भी हम यहाँ कत्ल होने ही तो आए हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? एक छोटा सा बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दिल ले लो, दिल दे दो। खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। ओफो, चला जाऊंगा, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? यही कि कल तुम मुझसे मिलने का वादा करो। बोलो, आओगी? यस। शुक्रिया जानम, ये लीजिए आपकी अमानत, और हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। रुखसार, 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 लगता है आपकी सहेली आ रही है। हाँ अल्लाह, मैं क्या करूँ? रुखसार, अरे ये कौन है और हमसे कैसे पर्दा? कहो तो दिखा देती हूँ अपना नूरानी चेहरा। ओह, तुम मेरे होने वाले जीजा जी? हाँ जी, कंचन जी, जीजा जी, आदाब जी। कंचन, अल्लाह के लिए तूने बाहर छोड़ा, अगर भाईजान ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। अरे घबराती क्यों है, आइए जीजा जी। चलिए जी। ओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओ, 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 और ये गई आपकी रानी। भाईजान, घोड़ा ढाई घर चल के शह दीजिए, मात हो जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह, ये तो मात हो गई। अरे अनारकली, तुम तो कमाल हो, रोज आया करना। जरूर आऊंगी। अरे छोड़ो यार तुम्हारी फुनफुन, और बताओ तुम्हारे घर में टाइम क्यों है? अरे बताओ, हा? ये लो, बच गए ना चार, और वो अभी तक नहीं आई, कर गई ना बेवफाई। क्या कहा? वो बेवफा नहीं है? हा? नहीं है? अच्छा, फिर अब तक वो आई क्यों नहीं? हा? अब तक आई क्यों नहीं, बोलो। अरे सुल्तान भी, अब वो आ गई। अरे वो आ गई सुल्तान भी, अब वो आ गई। अरे सुल्तान भैया, वहां तो गई लेकिन छुप क्यों गई? अरे सुल्तान भैया, चाहिए और पूछ के तो आइए कि वो चाहती क्या है। चलिए। पहले उनसे जाके कहिए अपना दिल दे, फिर हम उनके सामने आएंगे। जाओ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या? दिल चाहिए? हमारा दिल? जी हाँ, चाहिए। अरे सुल्तान मियां,
एक बार बेइरादा नजर क्या मिल गई, वो हमसे हमारा दिल मांग बैठे हैं? जी हाँ, मांग बैठे। सुल्तान मियाँ जाओ कह दो, सामने आना है तो आओ, हम दिल विल नहीं देंगे। हाँ ओहो, बड़े आए, दिल नहीं देंगे। हाँ सुल्तान मियाँ, आप तो जानते हो दिल कितनी नाजुक चीज है, कहीं तोड़ फोड़ दिया तो। ओहो, दिल तोड़ फोड़ दिया तो। और सुल्तान मियाँ, तुम तो जानते हो भाई कि अभी इनकी उम्र ही क्या है। अच्छा, तो अभी हमारी उम्र ही क्या है? जाओ कह दो कि हम दिल विल नहीं देंगे, जाओ। अरे जाओ भाई, नहीं जाओगे? कोई बात नहीं, हम जाके कह देते। गा के कह दे। रुखसार आप हमारे लिए, हम आपके लिए। रुखसार आप हमारे लिए, हम आपके लिए, हम एक दूसरे के लिए। वाह! नहीं यार सलमान मियां, आप निहायती घटिया किस्म के शायर हो। शायरी छोड़ो, अंगूर खाओ। सलमान बेटे, अब्बू एक बहुत ही जरूरी काम आन पड़ा है। अंगूर खाएंगे? नहीं बेटे, आप खाओ। ये कागजात लेकर तुम्हें कल ही शहर जाना होगा। जी हा? शहर? हाँ बेटे। अब्बू वो चाचू को भेज दीजिए ना। क्यों चाचू? नहीं सलमान, कल मुझे जमीन के मुकदमे के सिलसिले में छोटी कोतवाली जाना। अच्छा अब्बू, वो मैं क्या कह रहा था कि वो शहर जाना बहुत जरूरी है क्या? हाँ बेटे, बहुत जरूरी है। अब्बू अगर मैं दो 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 चार दिन बाद जाऊं तो? बेटे ये आज तुम्हें हुआ क्या है? हमें क्या हुआ? हमें कुछ नहीं हुआ। अब्बू हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे अब्बू? आशुमिया, आशुमिया, आशुमिया। क्या बात है भाईजान, आज आपकी जुबान से शहद टपक रहा है। भाई आशुमिया, थोड़ी देर के लिए हमको आपका ये दोस्त उधार चाहिए। हम समझ गए भाईजान, मामला वही मोती वाली भाभी जान का है। हाँ, ये खत पहुँचाना है। चलो भाई सुल्तान, हमारे भाईजान की पोस्टमैन बनकर जाओ। सुल्तान मियाँ, इसे अदब से देखे ना। हाँ जाओ। चला गया। लगता है डर गया। कंचन जी साले सब उम्र में बड़े ना, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन अगर अगली बार उन्हें ऐसी हरकत की ना, तो कसम खुदा की मैं उनकी बहन से शादी कर लूंगा। जल्दी शादी का पैगाम भिजवाइए होने वाले जीजा जी, मामला खतरे के लेवल से ऊपर आ गया है। खतरा? हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अरे मैं तुम्हारा चाचू बोल रहा हूँ। चाचू कहाँ से बोल रहे हैं? अपने मुंह से बोल रहा हूँ। अच्छा, कैसे मिजाज हैं आपके? अरे हमारे मिजाज तो ठीक हैं, लेकिन ये बता तुम्हारा ये हाल बनाया किसने? किसी दुश्मन ने बनाया या तुम खुद गड्ढे में गिर पड़े? चाचू दोनों वजह गलत है। तो फिर वजह क्या है भाई? चाचू हमारी जिंदगी में एक हसीन तूफान आया है। रुखसार। रुखसार? ये किस तूफान का नाम है भाई? ये तूफान है मोहब्बत का। मोहब्बत? ये तूफान है इश्क का। इश्क? L O V E। चाचू ये सही कह रहा है। अच्छा चाचू, अब हम सीरियस हो जाएं। हाँ। अगर हमें रुखसार नहीं मिली तो हम अपनी जान दे देंगे। भाईजान तो गए काम से। चुप। अगर सलमान, ये रुखसार है कौन? चाचू रुखसार के बारे में जानकर आपका दिल दहल जाएगा, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, इस हवेली की दीवारों में दरारें पड़ जाएंगी। लेकिन चाचू वादा करो कि आप हमारे दिलों में दरारें नहीं पड़ने देंगे। लेकिन हमें ये तो बताओ सलमान कि रुखसार है कौन और किसकी बेटी? नदी के उस पार रहने वाले फतेह खान की बेटी।
फतेह खान की बेटी, हमारे दुश्मन की बेटी, ये तुमने कैसा भयानक ख्वाब देख लिया सलमान, जिसकी कोई ताबीर नहीं। हमारे ख्वाबों की ताबीर सिर्फ रुखसार है। अगर हमें रुखसार ना मिली तो हम अपने आप को मिटा देंगे। सलमान, अगर मुझे ये पहले मालूम होता तो मैं उस शौकत खान की गर्दन नहीं तोड़ता। तुम्हारी रुखसार के लिए मैं अपनी गर्दन तोड़वा लेता। तुम फिक्र न करो सलमान, मैं जाऊंगा, उस फतेह खान की हवेली जाऊंगा, तेरे लिए रुखसार का हाथ मांगने। इसे कहते हैं लोहे का दिल और फौलाद का जिगर, इसे कहते हैं खून का असली रंग। वाह बेटे, मोहब्बत भी की है तो दुश्मन की बेटी से। शाबाश बेटे, शाबाश। अब चाहे खून की नदियां बह जाएं, फतेह खान की बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिए बगैर हम दम नहीं लेंगे। रशीद खान, सुल्तान को तैयार करो। फतेह खान से मिलने हम उसकी हवेली में खुद जाएंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब, निकाह की रस्म अदा कीजिए। एक खाना खाली रह गया है, इसमें हक मेहर कितना लिख दूं जनाब? हम बताते हैं मौलवी साहेब, लिखिए 50 लाख रुपया और 100 एकड़ जमीन। फतेह खान, तुम अपनी बेटी का निकाह कर रहे हो या उसे बेच रहे हो? जैसी फतेह खान की शान वैसी उसकी बेटी का मेहर। हम तो अपनी बेटी का हक मेहर सिर्फ लिखवा रहे हैं साईं। इससे ज्यादा हक मेहर और क्या हो सकता है कि तुम्हारी बेटी हमारे लगते जिगर की शरीक की हयात बने। दुरुस्त फरमाया शेर खान, लेकिन हम तो अपनी बेटी की आने वाली जिंदगी की जमानत मांग रहे हैं, जो कि उसका हक है साईं। और ये उसका हक और जमानत तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। फतेह खान साहब, रिश्ते तो प्यार और एतबार की डोरियों में बांधे जाते हैं। रिश्ते बंधे या टूट जाएं, हक मेहर यही होगा साईं। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना बारात वापस ले जाओ। फतेह खान, एक बार आसमान से गिरी हुई बिजलियां वापस लौट सकती हैं, तूफान अपना रुख बदल सकता है, लेकिन इस शेरखान का फैसला कभी नहीं बदल सकता। आज अगर ये बारात वापस जाएगी तो तेरी बेटी को साथ लेकर जाएगी। अपने जिगर के टुकड़े की खुशी के लिए ऐसे हजारों भक्त बहर कुर्बान है। लिखिए मौलवी साहब, लिखिए। तो क्या 50 लाख रुपए और 100 एकड़ जमीन लिख दूं जनाब? बेशक लिखिए मौलवी साहब, और ऐसी स्याही से लिखिए कि फतेह खान खुद भी चाहे तो उसे मिटा ना सके। निकाह की रस्म अदा कीजिए मौलवी साहब। सलमान खान बिन्त शेर खान, आपका निकाह रुखसार खान बिन्त फतेह खान के साथ तय होना करार पाया है, क्या आप कबूल करते हैं? जी हाँ, कबूल है। रुखसार खान बिन्त फतेह खान, आपका निकाह शेर खान के लड़के सलमान खान के साथ तय होना करार पाया है, क्या आप कबूल करती हैं? जी हाँ। रुखसती की रस्म अदा की जाए। गजब हो गया, मुंह दिखाई का तोहफा तो जेब में रह गया। पहली पहली शादी है ना, ऐसी गलती तो हो जाती। जी जी हाँ, हाथ दिखाइए जरा। वाह वाह, जरा दूसरा हाथ दिखाइए।
ओफो, दोनों हाथ हाउसफुल। क्या मतलब? मतलब ये कि हम आपको ये हमारा छोटा सा तोहफा किस उंगली में पहनाएं? अरे वाह, ये हुई ना बात। ये भाई वाह, ओफो, तुम्हारे बाबा जानी ने तुम्हें इतने सारे जेवरों से लाद दिया है कि तुम दुल्हन कम और सोने की स्मगलर ज्यादा लग रही हो। उतारो ना। क्या? यही जेवर लाओ, हम उतार देते हैं। करेंगे क्या? शरारत। रुखसार, तुम्हें अपनी नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो। तुम्हें भी सलमान। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान, चलो अबू बुला रहे। अब चलो, सलमान, हम तुम्हारे कैसे बाप हैं जो सूरज हथेली पर रखकर तलाश करने पर भी ना मिले? क्या तुम्हारी ऐसी कोई आरजू, ऐसी कोई खुशी है जिसे हमने आज तक पूरा ना किया हो? आपने हमारे अरमानों पर सब कुछ निछावर कर दिया, दुश्मनी को दोस्ती का लिबास पहनाकर हमें रुखसार जैसा तोहफा दिया। तुम्हारी इस खुशी के बदले अगर हम तुमसे अपने लिए कोई खुशी मांगे तो क्या तुम दे सकोगे? अब्बू, आप हमसे हमारी जान मांग लीजिए, हम हंसते हंसते आपको हमारी जान दे देंगे। अगर वो चीज तुम्हारी जान से भी ज्यादा अजीज हो तो? अब्बू, हमारी हर सांस आपकी है, आपकी खुशी की खातिर हम तो जहर भी पी जाएंगे अब्बू। तो फिर कलामे पाक पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम सिर्फ वही करोगे जो हम कहेंगे। अब्बू, ये लीजिए, हम कलामे पाक की कसम खाते हैं, मांगिए हमसे क्या चाहिए, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। बेटे, अगर कोई फूल तुम्हें बेहद पसंद आ जाए और उस फूल के तमाम कांटे तुम्हारे अब्बू जान के सीने में सुइयों की तरह चुभो दिए जाए तो फिर तुम क्या करोगे? अब्बू, हम उस फूल का ख्याल अपने दिल से निकाल देंगे। तो निकाल दो रुखसार को इस हवेली के बाहर। अब्बू, कलामे पाक पर हाथ रखकर तूने कसम खाई है सलमान, कसम तोड़ने का ख्याल भी गुनाह अजीम है। लेकिन भाईजान, तुम भूल रहे हो जुबेर, सारी बिरादरी के सामने फतेह खान ने हमारी तौहीन की है, एक घटिया तराजू में तोला है उसने हमें, 50 लाख रुपए और 100 एकड़ जमीन के टुकड़े में तौल कर रख दिया है शेर खान के वखार को। अब हम उसे बताएंगे कि शेर खान वो हीरा है जो गले से लग जाए तो हार है और गले से उतर जाए तो तलवार है। शमशुद्दीन, तुम्हारे बाप की लगाई हुई बोली, और ये लो 100 एकड़ जमीन के कागजात। अब जाकर अपने बाप से कहना कि शेर खान ने हक मेहर अदा कर दिया है।
और सुनो रखी, रास्ते में जहां जहां से भी गुजरती जाओ, सबसे कहती जाना कि शेर खान ने हक में इरादा कर दिया है। खुदा के लिए दरवाजा खोलो रुखसार, रुखसार दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो रुखसार। रुखसार! नजीर खान दरवाजा खोलो। रुखसार, रुखसार, तुम यहां क्यों आए हो? हम रुखसार से मिलने आए हैं। रुखसार को अपने घर से निकाल कर तुमने यह हक खो दिया है दामाद साई। तुमने इस हवेली में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? अफजल भाई, हमने रुखसार से निकाह किया है। तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी बीवी, तुम्हारी शरीके हयात को तुम्हारे घर से बाहर निकाल दिया गया और तुम बुत बने तमाशा देखते रहे। क्या उस वक्त तुम रुखसार के खाविंद नहीं थे? उस वक्त हम मजबूर थे बाबा जानी। वो मजबूरी नहीं थी, वो हमारे खानदानों की पुरानी दुश्मनी थी और उसी दुश्मनी का तुम लोगों ने हम पर भरपूर वार किया। चल अफजल भाई। दादी अम्मी। बाबा जानी, अगर हमें मालूम होता कि अब्बू जान हमारी रुखसार को घर से निकलवाने के लिए हमारा हाथ कुरान पाक पर रखवा कर हमसे कसम खिलवा रहे हैं तो बाखुदा हम अपने हाथ कटवा लेते, मगर ऐसी कसम कभी ना खाते। हम जानते हैं कि हमारे अब्बू जान ने हम पर रुखसार पर बड़ी ज्यादती की है, मगर बाबा जानी अगर आपने हक महर में इतनी बड़ी रकम ना मांगी होती तो हमारे अब्बू के दिल को ठेस नहीं पहुंचती, हमारे अब्बू के दिल में इंतकाम की चिंगारियां नहीं बढ़ती। खामोश! तुम्हारे बाप शेर खान ने हमारी बहन भेजी है और उसके जवाब में हम तुम्हारी लाश भेजेंगे। रुक जाओ अफजल, रुक जाओ। ये अभी तक हमारा दामाद है, इसने रुखसार को घर से निकाला है, तलाक नहीं दी। तो बाबा जानी कह दो इससे कि अभी और इसी वक्त मेरी बहन को तलाक दे दे। अफजल खान, मुझे इतनी गंदी गाली मत दे। गाली तो तुम लोगों ने हमें दी है हमारी बहन को घर से निकालकर। अब रुखसार के बारे में क्या सोचता है? दे दे तलाक और निकल जाए यहाँ से। दादी अम्मी। बाबा जानी, हम अपनी कसम का कुफारा अदा कर देंगे मगर रुखसार का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रुखसार से तुम्हारा रिश्ता अब तभी जुड़ सकता है जब तुम्हारा अब्बा शेर खान हाथ जोड़कर यहाँ आएगा और अपने किए की हमसे माफी मांगेगा। बाबा जानी, अपने गुरूर को जिंदा रखने के लिए हमारी मासूम मोहब्बत पर अपनी दुश्मनी का ऐसा कोई किला मत बांधिए जिसकी बुनियाद आपको खून की नदियों पर रखनी पड़े। खुदा हाफिज। बाबा जानी, शेर खान इस दहलीज तक आएगा नहीं और आप उसके घर में जाएंगे नहीं। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब वो आबाद नहीं हो सकती। बाबा जानी, आबाद नहीं हो सकती। मैं शेर खान के खानदान को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा। बेटा साई, गुस्सा हमेशा दिल में रखना चाहिए। जब ये सर पर चढ़ जाता है तो बंदे का वार ओछा पड़ता है। अंजाम उनका वही होगा जो तू चाहता है, लेकिन होगा वैसे जैसे हम चाहते हैं। तेरा कुत्ता कहाँ है? सुल्तान, तेरे आशु को अफजल खान के कुत्ते ने मार डाला। सलमान बेटे, गजब हो गया। हाँ, क्या हुआ चाचा? अल्लाह, अब्बू, चाचू। क्या हुआ सलमान, क्या हुआ? आशु, कैसे हुआ? हम लोग
बगीचे में खेल रहे थे, अचानक वहाँ पे एक काला कुत्ता आके आशु पे हमला कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो हम उस पहाड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। फतेहखान! शाबाश सुल्तान, शाबाश। हम समझ गए तूने अफजल खान को खत्म कर दिया है। वाह बेटे वाह, शाबाश। अब शौकत खान और फतेह खान कल का सूरज नहीं देखेंगे। नहीं जुबेर, हमारे सीने में इतना बड़ा गम उतारने वाले को हम इतिहासान मौत नहीं देंगे। जिस तरह रेगिस्तान में प्यासा एक एक बूंद पानी के लिए तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ता है, उसी तरह फतेह खान हमारे इंतकाम से तड़प तड़प कर अपनी एक एक सांस तोड़ेगा। हाँ, हमारी बीवी है, इनके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। यहाँ आसपास में कोई हकीम या डॉक्टर है? अरे बेटे, हम बड़े बूढ़ों के होते हुए हकीम डॉक्टर को क्या करना है। आओ बेटी, अंदर आओ। हाँ जाओ जाओ। आओ बेटी जाओ। क्या हुआ चाची? अरे बेटे, ये दर्द तो हर नसीब वाली को होता है। मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। सच? रुखसार। सलमान बेटे, हाँ
अम्मी दादी अम्मी, रुखसार माँ बनने वाली है। मैंने साथ सुन लिया है सलमान बेटा, तुम दोनों को ये खुशी बहुत बहुत मुबारक हो। दादी अम्मी, हमें वापस उन हवेलियों की तरफ जाने का हुक्म मत दीजिएगा। हमने फैसला कर लिया है कि अब हम हमारी जिंदगी कहीं दूर जाके बसाएंगे, जहां ना फतेह खान साहब की इज्जत होगी ना शेर खान साहब का घमंड। पहले ही बहुत खून बह चुका है बेटे, तुम लोगों के इस फैसले से भी खून की बारिश ही होगी। तो फिर आप ही बताइए ना दादी अम्मी, उस नफरत भरी दुनिया में जाकर कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएगी हमारी औलाद? क्या वो भी हवा में उछलता हुआ खून देखती रहेंगी? नहीं बेटे नहीं, तुम्हारी औलाद तो इन दो खून के प्यासे खानदानों के बीच अमन की बुनियाद डालेगी। मेरा यकीन करो बेटा, मेरा यकीन करो। जाओ अपने अब्बू जान से जाकर कहो कि रुखसार माँ बनने वाली है, देखना वो खुशी से फूला नहीं समाएगा और खुशी खुशी रुखसार को ले जाने के लिए हमारी हवेली पे आ जाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? हम अपने दुश्मन के दहेज पर कदम रखेंगे? नहीं सलमान बेटे, कभी नहीं। चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे जमीन फट जाए, हम तो क्या, हमारी जूती भी रुखसार को लेने उनकी हवेली कभी नहीं जाएगी, किसी कीमत पर भी नहीं। हां एक बात तय है, मजबूर होकर फतेह खान अपने बेटे को लेकर हमारी दहलीज पर जरूर आएगा। अब्बू, क्या आप हमारे वही अब्बू जान हैं जिनके सामने होठ हिलाते ही हमारे मन की मुरादें पूरी हो जाया करती थी? नहीं, आप हमारे वो अब्बू जान नहीं है। नहीं बेटे, हम आज भी तुम्हारे वही अब्बू जान हैं। तुम चाहो तो हमारे सीने में दौड़ते हुए दिल की धड़कने ले लो, मगर फतेह खान से ली हुई दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का ख्याल हमसे न मांगो, क्योंकि यह सवाल हमारी आन का है और आन के सामने जान की कीमत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अब वो सलमान, सारी कायनात में हमारा एक ही दुश्मन है और उस दुश्मन का नाम है फतेह खान। रुखसार के साथ हम फतेह खान को अपनी दहलीज पर गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं, मजबूर, लाचार, बेबस, निजान पत्थर की तरह, शिकस्त खाए हुए सिपाही की तरह गिड़गिड़ाते हुए हम उसे देखना चाहते हैं। अब्बू, ऐसा कभी नहीं होगा, वो यहां कभी नहीं आएंगे। जरूर आएगा, वो अपनी टूटी हुई किस्मत को जोड़ने, झोली फैलाकर हमारे दहलीज पर रहम की भीख मांगने जरूर आएगा। सिर्फ एक बार देखना तुम, तेरी औलाद की आवाज जब उसके कानों में गूंजेगी, उसके बाद देखना क्या होता है, देखना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो अब्बू जान। क्यों बेटे, फतेह खान के घर में किसी की मैयत हो गई है क्या? क्योंकि हमारी इस हवेली में जश्न तो सिर्फ दुश्मनों के मातम पर ही मनाया जाता है। नहीं अब्बू जान, अब्बू जान आज आप दिल में बसी हर बात को भूलकर अपना मुंह मीठा कर ले, क्योंकि अब्बू जान आज आप दादा जान बन गए हैं। तब तो आज ही हम फतेह खान का मुंह मीठा करने जाएंगे। इसी मिठास भरे दिन का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत दिनों से। सलमान, चाचू रो मत सलमान, भाईजान के होते हुए रुखसार इस हवेली में आ नहीं सकती, तुम रुखसार के बिना रह नहीं सकते और हम तुम्हारी आंखों में आंसू देख नहीं सकते। चाचू हम क्या करें, उधर वो जिद पर अड़े रब्बू, इसमें रुखसार का क्या कसूर, उसे क्यों सजा दी जा रही है? आंसू पोंछ डालो सलमान, तुम्हारी रुखसार को हम लाएंगे। क्या
क्या ये मुमकिन है चाचू? हाँ सलमान, हम फतेह खान के कदमों में झुककर तुम्हारी रुखसार के लिए भीख मांगेंगे। मगर सलमान, तुम्हें अपनी दुनिया अलग बसानी पड़ेगी, जहां ना भाईजान होंगे और ना ही फतेह खान। सरहद पर तुम हमारा इंतजार करना, हम तुम्हारी रुखसार को लेकर वहीं आएंगे। अरे खान भाई, हमारा मदद तो करो, जरा ये पत्थर हटाना है। मुझे माफ कर दो सलमान, मैंने जो तुमसे वादा किया था उसे मैं निभा नहीं सका। कमबख्त ये जिंदगी हमें धोखा दे गई। ऐसा मत कहिए चाचू, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। सलमान चाचू, हम अल्लाह की बारगाह में जाकर उससे तुम्हारे और रुखसार का हमेशा हमेशा का साथ मांगेंगे। सलमान चाचू, चाचू सलमान चाचू, खुदा हाफिज सलमान चाचू। नहीं नहीं चाचू, चाचू। दुश्मनी और कितना खून मांगेगी, किस किस की जिंदगी मांगेगी। अब चाचू जुबैर की मौत पर भी आपके चेहरे पर सिर्फ इंतकाम है, आंख में आंसू नहीं। जो खून पीना जानते हैं वो आंसू भी पी जाते हैं बेटे। अबू, अपने जिद के बढ़ते हुए कदमों को रोक भी लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस हवेली में अकेले रह जाएं। शेर जंगल में अकेला, शेर खान इस हवेली में अकेला, क्या फर्क पड़ता है।
हम जानते हैं अबू, हम जानते हैं। जानते तो हम भी हैं कि तुम क्या चाहते हो। रुखसार की वापसी चाहते हो तुम, और हम उसके बाप की मौत चाहते हैं, मौत। सज्जन साईं, लाओ ये बच्चा हमें दे दो। इस बच्चे तक पहुंचने के लिए आपको हम पांचों भाइयों की लाशों से गुजरना होगा। सज्जन साईं, दुश्मन की औलाद को मौत तक पहुंचाने के लिए आज मैं लाशों के समंदर से भी गुजर जाऊंगा। इसकी मौत मेरे दुश्मन के दिल का सबसे गहरा जख्म होगा। दुश्मन से पहले इस माँ के दिल पे लगने वाले जख्म के बारे में सोचो काका साहब। इस वक्त मुझे अपने इंतकाम की मंजिल तक पहुँचने के सिवाय और कुछ नहीं सोचना सज्जन साईं। इतने खुदगर्ज न बनो काका साहब कि हम पांचों भाई आपके दुश्मन बन जाएं। लाओ इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हें भी गोलियों से छलनी कर दूंगा। काका साहब, माँ की गोद से छीन कर शायद आप इस बच्चे को खत्म भी कर देते, मगर हम इसके पांच मामा हैं और पांच मामा में 10 माँ हैं। जिस बच्चे के सर पर 10 माओं का साया हो, उसे मौत का साया छू भी नहीं सकता। हट जाओ सामने से, ये हमारा खानदानी मामला है। खानदानी मामले दरवाजे बंद करके सुलझाए जाते हैं, मैदान में आ जाएं तो फैसले लोगों के हाथों में आ जाते हैं। फतेह खान की जिद के आरे ना आओ, बच्चा मेरे हवाले कर दो। अगर आप रुखसार के बाप हैं, इस बच्चे के नाना हैं, तो लगाइए इन्हें अपने सीने से, और अगर दुश्मन है तो उठाइए बंदूक और चलाइए गोली। सज्जन साईं, ऐसा ना हो कि आप बेटी को भूल जाएं और हम बेटी के बाप को। कसम खुदा की अगर तुम्हारी जगह इसके सगे भाई भी होते तो हम उनका भी खात्मा कर देते। शेर खान, फतेह खान, गोली तो हम तुम्हारे सीने पर भी दाग सकते थे, लेकिन अगर हमने तुम्हें मार दिया होता तो रुखसार का घर बसाने के लिए हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने कौन आता। शेर खान, सोचा था कि तेरे पोते को मार कर दादा को भी खत्म कर दूंगा, लेकिन लगता है कि आज तुम दोनों को एक ही कब्र में दफनाना फतेह खान का मुकद्दर बन गया है। जिद की ये जंग सिर्फ तेरे और मेरे बीच है फतेह खान, हिम्मत है तो उठा तलवार। शेर खान साहब, बंदूकों और तलवारों से सिर्फ इंसानों का खून बहता है, फैसले नहीं होते। नहीं ठाकुर, फतेह खान की जिद का फैसला सिर्फ बंदूकें और तलवारें ही कर सकती है। We'll be right back.
सलमान हट जाओ। अबू कितनी खून की नदियां बह गई मगर आपकी जिद की प्यास नहीं बुझी। हमारी जिद की प्यास सिर्फ फतेह खान के खून से बुझेगी। हट जाओ सलमान। नहीं अबू, इससे पहले कि आपकी तलवार इनके जिस्म को छुए आपको हमारी गर्दन काटनी पड़ेगी। मेरा बेटा होकर मेरे दुश्मन की हिमायत करता है, मेरे और मेरे दुश्मन के बीच अगर तू भी आ गया तो मैं तेरी भी गर्दन काट डालूंगा। नहीं, अगर आप दोनों की जिद की प्यास सिर्फ खून से ही बुझ सकती है तो लीजिए आप दोनों का खून जो इसके जिस्म में दौड़ रहा है इसके दो हिस्से करके आधा मैं इसके दादा को दे देती हूँ और आधा नाना को। सर सलमान बेटे, हमारे लाडले और रुखसार को लेकर घर चलो।